Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about one of the most viral product in the market right now, which is the L'Oreal Paris Hyaluronic Acid Eye Serum. I'm already a very huge fan of L'Oreal Hyaluronic Acid Serum. You guys know, maine uski multiple bottles finish kari hai. I love it. So when I got to know inka eye serum bhi aa chuka hai market mein, I was super excited to try it. So maine isko try kar liya hai, test kar liya hai, and now I have some words to tell you guys about this particular product. So without any further ado, let's get started. Let's talk about few reasons to use eye serum. अभी बहुत लोग होते हैं जो underestimate करते हैं, पूरा skin care routine कर लेते हैं लेकिन under eyes पे focus नहीं करते. Let me just give you some solid reason. Reason number one has to be excessive screen time. मेरा आपका सबका screen time बहुत ज़्यादा बढ़ गया. Either we are on phone, laptop, TV, and ये excessive screen time हमारी eyes पे बहुत ज़्यादा stress देता है. Under eyes पे बहुत जल्दी wrinkles, fine lines आनी शुरू हो जाती हैं. Talking about wrinkles and fine lines, reason number two आ गया है, which is aging. So as we age, our skin cannot produce enough कोलाजन, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, वो कहीं ना कहीं उतनी फर्म नहीं रहती, टाइट नहीं रहती. तो बहुत जल्दी जो एजिंग के साइन होते हैं ना, वो अंडर आइज पे विजिबल होने लगते हैं. आपको फाइन लाइंस दिखती है, रिंकल्स बहुत जल्दी दिखते हैं, बैगी हो जाती है आपकी अंडर आइज. ऑल्सो डू यू नो द स्किन अराउंड आर आइज इज द थिनेस्ट, तो उसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत जल्दी ये सारे साइंस विजिबल होने लगते हैं. आपको पफिनेस भी दिखेगी, फाइन लाइन्स, रिंकल्स बहुत जल्दी दिखता है. अनदर रीजन इज सन एक्सपोजर. सन एक्सपोजर की वजह से भी काफी बार स्किन में बहुत ज़्यादा अंडर आइज में फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्कनेस हो जाती है. एंड द लास्ट रीजन इज नॉट हाइड्रेटिंग इट. जैसे हम पानी खूब पीते हैं ना अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन पे एक अच्छा ग्लो लाने के लिए, इन द सेम वे यू रियली हैव टू हाइड्रेट योर स्किन टॉपिकली एज वेल. आप जैसे फेस में मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपको अंडर आइज पे भी एक डेडिकेटेड सीरम लगाना चाहिए ताकि वहां पर भी आपको इनफ हाइड्रेशन मिले. ऑल दीज रीजंस आर इनफ टू मोटिवेट यू गाइज कि एक अच्छा आई सीरम यूज करना क्यों जरूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्यूटी. सो इसका पूरा नाम है L'Oreal Paris रीवाइटल ऑफ हाइड्रो Hyaluronic acid 2.5% hyaluron plus caffeine under eye serum. First of all, the packaging is super classy and pretty. जैसे इनके face serum की packaging आती है ना, it is very similar. Talking about the texture, काफी lightweight है, बहुत जल्दी absorb हो जाता है skin में. This has no fragrance. अगर आपकी sensitive skin है तो भी perfect है, या फिर आपकी eye sensitive है, इसमें बिल्कुल भी fragrance नहीं है, तो आपको it definitely suit करने वाला है. Let's talk about the main ingredient in this one, जो इसको powerful बनाते हैं. सबसे पहले है इसमें 1.5% hyaluronic acid. Then it has 1% caffeine and 4% niacinamide. 1.5% hyaluronic acid is a boost of hydration to your under eyes. अगर आपकी eyes बहुत dry रहती हैं, dull रहती हैं, hyaluronic acid बहुत ज़्यादा उसमें help करेगा. Basically आपकी skin को plump बनाता है. And it has 1% caffeine as well, which is really nice to deep off that under eye area, जो bagginess होती है, बहुत ज़्यादा fine lines, wrinkles के साथ जो fight करता है, वो caffeine ही करता है. And it has 4% niacinamide in it, जो आपकी under eyes के जो area होता है, उस complexion को कहीं ना कहीं brighten up करने में help करता है. Overall आपकी eyes जो होती हैं, वो fresh दिखाई देती है. And not to miss इसका ट्रिपल बीड एप्लीकेटर, जिसको काफी डिफरेंट बनाता है. सो दिस ट्रिपल बीड एप्लीकेटर इज मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील, जो मैक्सिमाइज करता है इसके बेनिफिट्स को. एक अच्छी मसाज भी अपनी अंडर आइज पे दे सकते हो, जो इसकी कूलिंग सेंसेशन है वो डीप ऑफ करती है आपकी अंडर आइज पे बाय प्रोवाइडिंग अ रिफ्रेशिंग फीलिंग. ऑल्सो दिस सीरम इज डर्माटोलॉजिकली एंड ऑप्थमोलॉजिकली टेस्टेड, सो दिस इज रियली सेफ फॉर योर अंडर आइज. अगर आपकी सेंसिटिव आइज है, आप लेंस पहनते हो, या ओवरऑल आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ये आपको तभी भी सूट करने वाला है. सो वी टॉक्ड अबाउट द आई सीरम, लेट्स टॉक अबाउट अ होल स्किन केयर रूटीन प्लस आप कैसा सीरम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. स्टेप नंबर वन इज ऑब्वियसली यूजिंग अ गुड फेस वॉश, एंड फॉर दैट आई रिकमेंड द L'Oreal Paris रीवाइटलिफ्ट हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेटिंग जेल क्लेंजर, जो बहुत जेंटली आपकी स्किन को क्लेंज करता है, प्लस एट द सेम टाइम हाइड्रेट करता है. इट ड्रॉज आउट ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर स्किन, लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई और स्ट्रेची नहीं बनाता. सो आफ्टर क्लेंजिंग माई फेस रियली वेल, आई लाइक टू यूज द अंडर आई सीरम. आई मेक श्योर कि हल्की सी मेरी स्किन डैम्प हो, बिकॉज में हाइड्रोनिक एसिड है ना, तो डैम्प स्किन पर और अच्छा वर्क करता है. सो अपनी अंडर आइज पे अच्छे से मसाज करने के बाद, जब ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आई मूव ऑन टू द फेस सीरम. एंड यू गाइज नो माई लव फॉर द L'Oreal Paris हाइड्रोनिक एसिड 1.5% फेस सीरम. आई लव दिस वन, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. अगेन हल्की सी डैम्प स्किन पर लगाना, आपको और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे. दिस इज लाइक अ नो फस सीरम. ये हर टाइप की स्किन को सूट करने वाला है, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, ऑयली, ड्राई. इट गेट्स एब्जॉर्ब इन टू योर स्किन रियली वेल. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट स्टेप, विच इज यूजिंग अ गुड डे क्रीम, एंड फॉर दैट आई लाइक टू यूज L'Oreal Paris रीवाइटलिफ्ट हाइड्रोनिक एसिड प्लम्पिंग क्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द टेक्सचर, बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है. इट हैज माइक्रो हाइड्रोनिक एसिड, जो पेनिट्रेट करता है डीपर आपकी स्किन के अंदर, मॉइस्चर को लॉक करता है, स्किन को प्लम्प, हाइड्रेटेड और रेडियंट बनाता है. यू कैन सी द ग्लो ऑन माई स्किन. इसका टेक्सचर काफी लाइट वेट है, सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, ये तभी भी आपको सूट करेगा. ओवरऑल ये बहुत अच्छा यूथफुल ग्लो देता है आपकी स्किन को. सो ये तो था पूरा स्किन केयर रूटीन एंड हाउ आई लाइक टू इनकॉर्पोरेट द अंडर आई सीरम. ओवरऑल वर्थ इट, आई लव दिस वन, वर्क रियली वेल ऑन मी. आई थिंक अगर आप फाइन लाइन्स, रिंकल्स, हल्का फुल्का
का जो बैगीनेस और जो एक डलनेस रहती है ना उससे परेशान हो तो ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. इट्स लाइक अ नो फस सीरम. ये हर टाइप के स्किन को बहुत ब्यूटीफुली सूट करने वाला है. मैंने पर्सनली अच्छे रिजल्ट देखे हैं आफ्टर यूजिंग. मेरी स्किन अंडर आइज की जो है वो काफ़ी अच्छी प्लम्प रहती है, हाइड्रेटेड रहती है. जब मैं मेकअप भी करती हूँ काफ़ी बार कलर करेक्शन करनी होती है, कंसीलर, बेकिंग हम करते हैं, बहुत लेयर्स ऑफ मेकअप जाता है ना और आपकी अंडर आइज क्रैक करनी होनी शुरू हो जाती है. सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस सीरम बिकॉज ये बेस में आपको बहुत अच्छी एक नरिशमेंट देगा. सो इट्स डेफिनेटली अ मस्ट हैव. टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दिस वन, दिस इज फॉर 899 फॉर 20 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड लेट मी टेल यू इट विल लास्ट यू फॉर एजेस. मतलब मैं इतने वीक से इसको टेस्ट कर रही हूँ और ये खाली अभी तक यहाँ पर ही आई है. यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक ही आई है बिकॉज अंडर आइज पे आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है. यू जस्ट नीड टू डिप इट इन ट्वाइस एंड दैट्स इट. सो ये बॉटल आपकी बहुत लंबी चलने वाली है. सो टेंशन मत लेना, 20 ml इज अ लॉन्ग रनिंग बॉटल फॉर यू गाइज. टॉकिंग अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हाइलुरोनिक एसिड रेंज, इनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. द प्राइजेस, डिटेल्स, लिंक्स, एवरीथिंग बेसिकली. सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डू चेक आउट दीज प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली द आई सीरम फॉर हाइड्रेटेड डूई लुक ऑल डे लॉन्ग. एंड विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.